इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने शहर के यूट्यूबर्स को कैसे ढूंढ सकते हैं, और अगर आप उन्हें ढूंढ पाए तो आप उन्हें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, उनको आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल भी सकते हैं, और साथ ही साथ उनके साथ कॉलैब भी कर सकते हैं। अब आपको वो सब्सक्राइब क्यों करेंगे, देखिए, एक तो आप यूट्यूबर हैं, दूसरा आप उन्हीं के शहर से हैं, तो दो सिमिलैरिटी आपके अंदर हो गई कि आप यूट्यूबर भी हैं और आप उन्हीं के शहर से भी हैं। तो आगे चल के अगर आप ग्रो करते हैं दोनों ही, तो दोनों ही आपस में ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप दोनों एक लेवल पे हैं जहां पे आपके थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर्स हैं या बिल्कुल नहीं है, तब भी आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और एक दूसरे के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहां पे सब्सक्राइबर बढ़ा भी सकते हैं और कोलैब भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप कैसे अपने शहर को यूट्यूबर्स को ढूंढ सकते हैं। तो यहां पे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि मैं जयपुर में रहता हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं जयपुर के यूट्यूबर्स को कैसे ढूंढता हूं, और ये टेक्निक आप भी अपने शहर के यूट्यूबर्स को ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहां पे मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक इंस्टाग्राम के थ्रू, दूसरा यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। तो पहले मैं आपको इंस्टाग्राम के थ्रू बताता हूं। तो इंस्टाग्राम सिंपली जो है आप ओपन कर लीजिए, जैसे आप इंस्टाग्राम ओपन कर लीजिए तो सिंपली आप सर्च के बटन पर जाते हैं, वहां पे आपको एक हैशटैग टाइप करना है। अब यहां पे ध्यान में रखिए, मैं अपने शहर का नाम लिखूंगा, आपको अपने शहर का नाम लिखना है, ठीक है। तो सिंपली यहां पे मैं लगाता हूं एक हैशटैग, आपको सर्च करना है हैशटैग जयपुर यूट्यूबर, हैशटैग जयपुर यूट्यूबर्स। तो ये सिंपल आपको हैशटैग डालना है और उसको आपको देखना है उस हैशटैग के ऊपर कितने ज़्यादा पोस्ट आए हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 500 से ज़्यादा पोस्ट आए हुए हैं, और सिंपली अगर आप रिसेंट पोस्ट के ऊपर जाते हो, जयपुर यूट्यूबर्स की रिसेंट पोस्ट पे जाते हो, तो ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे आप जितने भी पोस्ट देख रहे हो, यहाँ तक कि इवन इसमें मेरी पोस्ट भी आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कमलेश खोलिया की, जो कि मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, उसकी भी जो है यहाँ पे फोटो आ रही है जो कि मैंने डाली थी। अब यहाँ पे ये रिसेंट पोस्ट है, देखिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो 18 घंटे की पहले की पोस्ट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक दिन पहले की पोस्ट है, और ये सब यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने अपने ब्लॉग चैनल बनाए हुए हैं या फिर अपने टेक चैनल बनाए हुए हैं या किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई चैनल बनाया हुआ है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इन चैनल्स को ओपन करके, जैसे ये है तो ये ब्लॉगर है, अगर आप इसकी प्रोफाइल पर जाते हो तो आप इसको जो है डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और इसके साथ में जो है कॉलैब कर सकते हो। अब चूंकि ये सारे इन्होंने हैशटैग यूज किए हैं हैशटैग जयपुर यूट्यूबर्स, देखिए इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पे आप इसके मोर में जाएंगे तो यहां पे आप देख सकते हो हैशटैग जयपुर यूट्यूबर इसने यूज किया है, दैट्स व्हाई ये आ रहा है। अब मेरी पोस्ट पे अगर आप जाते हो जो कि इसी हैशटैग के अंदर आ रहा है, तो आप मोर पे जाएंगे तो वहां पे भी सिंपली मैंने यूज किया है हैशटैग जयपुर यूट्यूबर्स। तो इसको आप जयपुर यूट्यूबर्स की बजाय जयपुर यूट्यूबर भी रख सकते हो और यूट्यूबर जयपुर भी कर सकते हो। तो इसको आप जो है अपने हिसाब से क्रिएटिव तरीके से डिजाइन करके या फिर अपने हिसाब से सोच करके सर्च कर सकते हो, तो आपके सामने अपने शहर का जो है हैशटैग निकल के आ जाएगा इंस्टाग्राम पे, और आप अपने शहर के यूट्यूबर्स को ढूंढ सकते हो। टॉप पोस्ट में भी आप देख सकते हो कि रिसेंटली किसने कितने सब्सक्राइबर गेन किए और कौन ज्यादा पॉपुलर आपके शहर में, और रिसेंट पोस्ट के अंदर आप ढूंढोगे तो वो लोग आएंगे जो जस्ट यूट्यूबर बन रहे हैं, तो उनको आप टारगेट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और उनके साथ आप दोस्ती कर सकते हो, उनके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हो, और कोलैब भी कर सकते हो अगर आप वो राजी हो जाते हैं। तो एक तरीका ये है, ठीक है, यहां पे मैंने आपको बता दिया। अब ये ऐसे ही नहीं कि भाई एक ही हैशटैग है यूट्यूबर जयपुर यूट्यूबर्स, आप अजमेर में रहते हैं तो अजमेर यूट्यूबर्स, दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली यूट्यूबर्स, अपने शहर का नाम लगाइए आगे और फिर आगे पीछे लगाइए यूट्यूबर्स, जयपुर यूट्यूबर्स, अजमेर यूट्यूबर्स, दिल्ली यूट्यूबर्स, और आप जो सर्च कीजिए तो आपके सामने हैशटैग निकल के आ जाएगा, उसकी रिसेंट पोस्ट में जाकर के आप उन बंदों को टारगेट कर सकते हो, उन्हें डीएम कर सकते हो, ताकि वो आप ही के शहर से, आप ही उनके शहर से, और आप आपस में जो है कोलैब कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। पहला तरीका हो गया ये, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हैशटैग और भी बन सकते हैं, जैसे कि यूट्यूबर जयपुर, ये आपको क्रिएटिव तरीके से सोच के देखना होगा, मैंने यहाँ पे सिंपली आपको एक तरीके से बता दिया। अब चलिए यूट्यूब पे चलते हैं, तो यहाँ पे मैं यूट्यूब से आपको बता देता हूँ वो तरीका जिसके थ्रू आप लोगों को ढूंढ सकते हो। अगेन यहाँ पे आपको सर्च इस्तेमाल करना है, तो मैं सिंपली सर्च पे जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको ये नहीं डालना है कि जयपुर यूट्यूबर्स, आपको सिंपली डालना है जयपुर, जैसे कि मैं अपने शहर का नाम डाल देता हूँ सिंपली जयपुर, और उसको मैं सर्च कर देता हूँ। आपको भी अपने शहर का नाम डालना है, सिंपली जो भी आपका शहर है वो डाल देना है, उसके बाद में सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में आपको जो फिल्टर पे जाना है, और फिल्टर पे जाने के बाद में आपको एक शॉर्ट बाय के अंदर अपलोड डेट वाला फिल्टर यूज करना है। जैसे ही आप अपलोड डेट वाला फिल्टर लगा करके अप्लाई करोगे तो आप लोगों के सामने वो पोस्ट निकल के आ जाएगी जो रिसेंट जयपुर वर्ड को यूज करके अपलोड की गई है। जैसे कि 46 मिनट पहले लोकेश स्वामी, जो कि हमारे मित्र ही है, इनके 2 लाख से ऊपर के सब्सक्राइबर्स हैं, ये देख सकते हो 2 लाख से ऊपर 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो इनका चैनल निकल के आ गया। ऐसे ही बहुत सारे चैनल निकल के आ जाएंगे, तो अब यहाँ पे आपको उन चैनल्स को टारगेट करना है जो कि व्लॉगिंग के हो या टैग के हो। जैसे कि देखिए, ये है सुजीत की दुनिया, तो इसके आप ऊपर जाओगे तो इसके 2000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो इस बंदे को आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो,
मैं जयपुर से हूँ तो मैं डीएम कर सकता हूँ इंस्टाग्राम पे ढूंढ के या फेसबुक पे ढूंढ के, इसके अबाउट में कहीं पे भी वीडियो के अंदर इसका कॉन्टैक्ट होगा और इसके साथ कॉलैब कर सकता हूँ या सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकता हूँ। ऐसे ही बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो डेली जयपुर वर्ड को यूज करके जो है वीडियोज़ डाल रहे हैं और आप उनके साथ में जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो एक ये तरीका हो गया और एक इंस्टाग्राम वाला तरीका हो गया। दोनों ही तरीके से आप जो है अपने शहर के यूट्यूबर्स को ढूंढ सकते हो, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हो, उनके साथ कॉलैब कर सकते हो। बड़ी बात यह है कि आप अपने शहर के यूट्यूबर्स को ढूंढ सकते हो ताकि आप मोटिवेटेड रहे। क्यों? आपके शहर के यूट्यूबर्स आपको मिलेंगे, कम्युनिटी बनेंगे, आपस में बातचीत करते रहोगे, क्या चल रहा है मार्केट में, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, वो चीज़ें आपस में शेयर करते रहोगे, तो आप कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होगे और आप आसानी से अपना काम करते रहोगे, उनके साथ में चीज़ें शेयर भी करते रहोगे और आप उन्हें सब्सक्राइब करके भी करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं और उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं और एक कम्युनिटी बन सकती है और वो आप ही के शेयर से हैं और वो भी यूट्यूबर हैं, दो इंटरेस्ट आपके मिल चुके हैं, दैट्स वाई वो आपको सब्सक्राइब भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपके साथ कॉलैब भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि आप अपने शहर के यूट्यूबर्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। तरीके और भी हैं, क्रिएटिव तरीके से अगर आप सोचेंगे तो मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे सर्च बार में एक कीवर्ड डालता हूँ, मान के चलिए कि माय जयपुर सिटी, ठीक है, सिटी, माय जयपुर सिटी अगर मैं डालता हूँ सिंपली, ठीक है, अब ये मैंने डाल दिया माय जयपुर सिटी, और उसके बाद में आपको अगेन फिल्टर पे जाना है और आपको शॉर्ट बाय में जाकर के अपलोड डेट वाला फिल्टर लगाना है। तो यहाँ पे देखिए अगेन बहुत सारे जो है निकल के आ गए। अब ये जो पहला एक दिन पहले का वीडियो आया है, ये देख लो आप, इसका थंबनेल जिसमें हवा मेल है, तो यहाँ पे आप इसके प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे ये जो है अकाउंट, ये अकाउंट जयपुर का है, यानी कि वापस से देखिए, ये देखिए अब इसके साथ आप कॉलैब कर सकते हो। बहुत ही कम इनके व्यूज़ आ रहे हैं, तो जाहिर है इनके पास सब्सक्राइबर भी कम होंगे तो आपको ये रिप्लाई भी कर पाएंगे। ऐसा ही आप न जाने कितने यूट्यूबर्स को ढूंढ सकते हो जो कि आप ही की कैटेगरी के हो या एटलीस्ट आपके शहर से हो, और उनके साथ आप कॉलैब कर सकते हो या एटलीस्ट उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हो, और ये एक शहर से होने के लिए, और आप भी यूट्यूबर है, वो भी यूट्यूबर एक शहर से हैं, तो वो आपको सपोर्ट भी कर लेंगे। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए आपको, इंस्टाग्राम के थ्रू भी और यूट्यूब के थ्रू भी आप अपने शहर के यूट्यूबर्स को ढूंढ सकते हो और उनके साथ में जो है कॉलैब कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो और उनके साथ सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट कर सकते हो, ग्रीटिंग मैसेज भेज सकते हो, और ये एक अच्छा तरीका है अपने शहर को यूट्यूबर्स को ढूंढने का। आप इससे ये भी पता लगा सकते हो कि आप आपके शहर के अंदर कौन कौन फेमस है, कौन कौन फेमस यूट्यूब चैनल्स हैं। तो बस फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड, यूट्यूब पे कैसे ग्रो करें इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए, देखने चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली यूट्यूब पे कैसे ग्रो करते हैं इसके बारे में वीडियोस बना रहा हूँ। मैं कौन हूँ? तो मैं एक यूट्यूब कोच हूँ, मैंने 15 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स को मोनेटाइज करवाया है और आप लोगों के साथ में ये सारी नॉलेज मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।